इज महक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम एनर्जी ऑफ स्ट्रेन्ड बॉडीज। हमने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उस स्ट्रेस की वजह से जो इफेक्ट शो होता है वो स्ट्रेन में इफेक्ट शो होता है, और उस अफेक्ट की वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। उसकी वॉल्यूम में चेंज हो, लेंथ में चेंज हो, या फिर उसके शेप में चेंज हो। अब जब हमने लास्ट टाइम ये भी बात कही थी कि जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लगाया जाता है तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हम हटा देते हैं तो बॉडी दोबारा से अपनी पोजिशन, अपनी शेप को, अपने साइज को रिगेन कर लेती है। और हमने ये भी बात कही थी कि वो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन जो करती है वो उसके अंदर जो एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो उसे अपनी ओरिजिनल शेप और अपने ओरिजिनल साइज में आने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते वक्त उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। ठीक है, हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ ना कुछ उस बॉडी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, और जो वो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं उस बॉडी से, और डिफॉर्मिंग फोर्स हटते ही वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करती है, और जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड थी, जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो हीट की फॉर्म में शो होना शुरू कर देती है। अब हम उसी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी किसी स्ट्रेन की, कोई भी जो बॉडी है जो स्ट्रेन्ड है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है जो कि स्टोर्ड होती है। तो देखिए, हमने कहा कि जब भी कोई डिफॉर्मिंग, लेट अस से कि मैंने कोई एक वायर ली है और इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो है एल, ओरिजिनल लेंथ है इसकी एल, और इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया एफ, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही यहां पर चेंज हो गया स्मॉल एल का। ठीक है, यानी अब जो लेंथ है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो वायर की लेंथ है वो कैपिटल एल प्लस एल हो गई। यानी कि अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जो डिफॉर्मेशन हुई है वो लेंथ में स्मॉल एल की हुई है। ठीक है, और लेट अस से कि इस वायर का जो एरिया है वो है ए, ए हमने एरिया को डिनोट कर दिया, एफ जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, कैपिटल एल जो है वो उसकी लेंथ है, और जो एल है वो डिफॉर्म्ड लेंथ है, यानी कि लेंथ में जो कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा कि जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स इस वायर के ऊपर एक्ट कर रहा है तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, और लेट अस से कि जो वो वर्क डन है उसको हम W से डिनोट करते हैं। और हमें जैसा पता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी, जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो लेंथ की फॉर्म में हो रही है, स्मॉल चेंज हो रहा है, और जो फोर्स है वो यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स है, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स लेट अस से एफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है लेंथ की और वो है डीएल। तो यहाँ से वर्क डन जो है वो है फोर्स इंटू डीएल, जो स्मॉल चेंज हुआ है लेंथ में। अब जैसा हमें पता है कि यहाँ पर अगर लेंथ में चेंज हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट होगा वो यंग्स मॉडुलस होगा। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बात बताई थी कि यंग्स मॉडुलस जो होगा वो बॉडी में तभी दिखाई देगा जब लेंथ में चेंज होगा। ठीक है, तो और लास्ट वीडियो में हमने यंग्स मॉडुलस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किया था, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम यंग्स मॉडुलस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यंग्स मॉडुलस को इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर वर्क डन में हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स की एक डिफॉर्मिंग फोर्स का एक्सप्रेशन है, और इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में यहाँ से डिराइव करेंगे, और एफ को यहाँ से हम एफ को लिख सकते हैं वाई ए स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। डिफॉर्मिंग फोर्स का एक्सप्रेशन यंग्स मॉडुलस के टर्म में इस तरीके से हो सकता है। अब इस टर्म को हम यहाँ W की फॉर्म में हम इसको पुट करेंगे, और W की फॉर्म में पुट करते ही जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो होगा W इज इक्वल्स टू
सॉरी यहाँ पर जो वर्क डन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, सॉरी। तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो होगा वाई ए स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल इंटू डी एल। अब यहां से अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स ने एक्चुअल में बॉडी के ऊपर कितना वर्क किया है, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए जो लिमिट्स होंगी, लिमिट होंगी कि जितना चेंज हुआ है, कहां इनिशियल कितना था लेंथ का चेंज और जो ओरिजिनल था वो कितना लेंथ में चेंज हुआ। तो देखिए इनिशियली जब यहां पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लग रहा है उस टाइम तक लेंथ में कोई चेंज नहीं है, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगते ही फाइनली जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगने की वजह से लेंथ में चेंज हुआ वो है स्मॉल एल। तो यहां पर जो लिमिट्स हमारी होंगी वो 0 टू स्मॉल एल होंगी, ठीक है जी। और यहां पर इस एक्सप्रेशन से हम W की फॉर्म W को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा वाई ए डिवाइड बाय कैपिटल L जो होगा वो इस टाइम कांस्टेंट का काम करेगी। तो वाई ए डिवाइड बाय L तो हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेट करेंगे हम स्मॉल L को 0 टू L लिमिट तक, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आता है हाफ इंटू L स्क्वायर। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन जो हो गया वो ये हो गया W इज इक्वल्स टू वाई ए डिवाइड बाय एल स्मॉल एल इंटू 1/2 एल। और यहां पर देखिए हम फोर्स की फॉर्म देख रहे थे कि फोर्स को हमने यही वैल्यू पुट की थी, तो दोबारा से इस बड़ी वैल्यू की जगह हम F लिख सकते हैं। तो W जो हो जाएगा वो होगा F इंटू हाफ इंटू एल, या फिर हाफ इंटू एफ इंटू एल, ये है वर्क डन। और अगर हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कि एक यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स ने कितना वर्क किया है, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो देखिए हम वर्क डन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइम इस जो ये वायर है, इस वायर की जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। वॉल्यूम जो होगी वो होगी एरिया इंटू लेंथ करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेंथ जो एरिया है वायर का वो है ए, और लेंथ जो है वो है कैपिटल एल। तो सॉरी ये वॉल्यूम का टर्म है, इतनी वॉल्यूम है इस वायर की जो हमने लिया है। और अगर हमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्क डन को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो होगा F इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाई ए इंटू कैपिटल एल, यहाँ से हाफ इंटू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डिफॉर्मिंग लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से। और हमें लास्ट वीडियो में हमने ये बात कही थी कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ये है स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ये है स्ट्रेन। तो यहां से अगर आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ द स्ट्रेन्ड बॉडी जो कि आपको हीट की फॉर्म में शो होती है, वो होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की फॉर्म में आप एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा। उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर काम किया, उसी तरीके से बाकी दोनों स्ट्रेन में भी हम इसी तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो कैलकुलेट करेंगे तो हर एक केस में जो वैल्यू होगी वो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगी। यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो हर एक टाइप का, जो जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ स्ट्रेन जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, और जब शियर स्ट्रेन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो शियर स्ट्रेन होगा। तो इस तरीके से हम तीनों टाइप स्ट्रेन के टाइप में हम एनर्जी स्टोर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेन बॉडी की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम कपल्स के बारे में, ट्विस्टिंग कपल्स के बारे में बात करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.